हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आज जो मैं इनका मेकअप लुक करूँगी, ये बहुत ही अलग टाइप का मेकअप है। ये स्कूल में टीचर है और जो कहा जाता है कि पांच तत्व होते हैं, अग्नि, वायु, जल, आकाश, तो उसमें ये अग्नि का रूप में तैयार हो रही हैं और इनको वो पार्टिसिपेट करना है। तो इनका मेकअप ज़्यादा डार्क होगा जैसे आप देख रहे हो, रेड कलर का पहने भी हैं। तो आज मैं उसी तरह से क्रिएट करूँगी और मेकअप थोड़ा सा जो है, बाद में जब इन्होंने मेकअप करके स्टेज पे गए थे तो इनको अवार्ड भी मिला अग्नि का, और इन्होंने बेस्ट मेकअप था इनका। तो आप भी देख के बताना कि आपको कैसा लग रहा है। तो इसमें मैंने काफ़ी थोड़ा सा डार्क मेकअप किया है क्योंकि स्टेज मेकअप है और दूर से दिखना भी चाहिए रेड रेड सा, तो थोड़ा सा कोशिश की है। तो आप भी अपने है कमेंट्स के द्वारा बताइएगा। और पहले मैंने फेस को अच्छे से क्लीन कर लिया था, उसके बाद मॉइस्चराइजिंग और ये हल्का फाउंडेशन वगैरह ये सब लगाऊंगी, प्राइमर भी लगाया है क्योंकि स्टेज मेकअप है तो स्टे भी रहना चाहिए। और डार्क मेकअप को और थोड़ा सा जो है अच्छे से जो है मर्च वगैरह करना चाहिए, जैसे कि मेकअप टिका भी रहे और जो है अगर स्टेज में करते समय पसीना वगैरह आए तो मेकअप बिल्कुल ख़राब भी ना हो, इस बात का सबका ध्यान रखना चाहिए। तो वही मैंने पूरी कोशिश की है, इनको अवार्ड भी मिला है और इन्होंने मेरे को थैंक्स भी बोला बाद में। तो ये मैंने रूट कॉस्मेटिक्स का ये वाला रेड वाला लिया क्योंकि रेड रेड काफ़ी दिखाना है आई में, तो मैंने ये दिखाया है। और इन्होंने फॉल्स आईलेसेस के लिए मना कर दिया था तो वो मैंने नहीं लगाई है। इसके बाद मैंने गोल्डन भी ले लिया है और इसको इस तरह से फिंगर से लगा दिया है। तो मेकअप थोड़ा सा डार्क ही होगा, तो प्लीज़ अपने कमेंट्स के द्वारा ये ना कहना कि मेकअप डार्क है या सही नहीं है, क्योंकि मेकअप स्टेज के हिसाब से डार्क ही किया गया है और इसमें एज का कुछ नहीं है क्योंकि इन्होंने इनको जो पार्ट्स करना है वो अग्नि का करना है, तो अग्नि के हिसाब से ही डार्क डार्क करना था। और इनको एक बाद में जो है वो भी मिला था जिसको क्या कहते हैं, क्राउन वगैरह ऊपर लगाना था, वो भी अग्नि के जैसा ही बना हुआ था। तो इसकी उन्होंने फ़ोटो भेजी थी मेरे को, वो वहाँ पर स्कूल में जाके ही इनको लगाना था तो वो मेरे से मिस हो गई है। तो उसके बाद जब इन्होंने लगाया है तो उसके बाद उनका लुक और भी अच्छा आ गया था। तो जितने भी मैं प्रोडक्ट दिखा रही हूँ, इनका परचेस लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप चेक जरूर कर लीजिएगा। और ये तो मैं वैसे डार्क मेकअप किया है और जो मैंने प्रोडक्ट यूज़ किए हैं वो आप लाइट मेकअप में भी कर सकते हो। और उसके बाद मस्कारा वगैरह लगाया है और फेस का तो मैंने डार्क नहीं किया था, फेस आप देख सकते हो फेस का मैंने लाइट ही रखे हैं और बस सिर्फ आँख का थोड़ा सा मैंने डार्क किया है क्योंकि वो सामने से दिखती है ना जब आप स्टेज पर करते हो काम, और जिस के लिए आप बने हो, जो चीज़ आपको पार्ट्स दिया गया है वो आपको दिखाना है तो वो आगे से दिखना चाहिए ना, तो उस हिसाब से आपको थोड़ा सा डार्क लग सकता है। और फेस पे हमने हल्की सी कंटूरिंग भी की है। और मैं अपना एक व्हाट्सएप ग्रुप शुरू करने वाली हूँ जिसमें मैं पांच पांच लोगों को ऑनलाइन कोर्स कराऊंगी, तो अगर आपको ज्वाइन करना है तो आप कर सकते हो। उसकी फ़ीस हमने सिर्फ 2500 रखी है जिसमें मैं आपको सर्टिफिकेट भी दूंगी और प्लस आपकी कुछ भी क्वेश्चन हैं आंसर हैं उनका मैं आपको ग्रुप में ज्वाइन करा करके आपको उनको छोटे वीडियोस के द्वारा या आपसे कॉल करके आपकी सारी प्रॉब्लम्स सुनी जाएगी। ये 3 महीने तक रहेगा वैलिड, आप 3 महीने तक मुझसे कुछ भी पूछ सकते हो। और तो मैं आपको अपना नंबर भी बोल दे रही हूँ, मेरा नंबर है 9616678491। तो प्लीज़ वही लोग हमको कॉल करें जिनको कि व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना है, कॉल भी ना करें मैसेज करें, तो मैं आपको अपना पूरा प्रोसेस बता दूंगी कि आपको क्या करना है। उसमें अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है कि आप हमसे सीख रहे हो, मैं वीडियोस रोज़ डालती हूँ, आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा है या आपको पर्सनली वैसे भी कुछ नहीं समझ में आ रहा, आपकी कोई प्रॉब्लम है तो उसमें मेरे से कॉल करके आप अपनी प्रॉब्लम को समझ सकते हो, पूछ सकते हो। और जैसे मैं इतने जो है कॉल्स आती हैं उनका जवाब देना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन अगर आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े हो तो उसमें मेरा जो है, अगर आपने कुछ कॉल किया है और उस समय मैं नहीं उठा पाई तो मैं बाद में भी आपका, क्योंकि मेरे पास नंबर रहेगा, मैं आपको बाद में भी कॉल कर लूँगी। तो अगर आपको व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना है तो आप कर सकते हो, नहीं तो आप जैसे मैं सिखा रही हूँ वैसे भी सीख सकती हो। और मैं वीडियो ही इस तरह से देती हूँ, मेरे 2 चैनल हैं, एक ये आलोक जेटली का आप जो देख रहे हो और एक है मेरा सीमा जेटली का, ठीक है। और उसमें मैं मंडे को 3 बजे लाइव भी आती हूँ तो उसमें भी आप मेरे से कुछ क्वेश्चन पूछ सकते हो जो भी आपको पूछना है। तो मंडे को 3 बजे सीमा जेटली पर लाइव आती हूँ और
बाकी जो ग्रुप ज्वाइन करा है, अगर आपको ग्रुप ज्वाइन करना है तो आप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, उसकी 2,500 फीस है, और प्लस उसमें आपको सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा, आपके घर कुरियर के द्वारा सर्टिफिकेट पहुँचाया जाएगा, तो ये सुविधा भी आपको दी जाएगी। तो अगर आपको ग्रुप ज्वाइन करना है तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर 9616678491 पर मैसेज डाल सकते हो, और आप अगर ग्रुप ज्वाइन करना है तभी प्लीज़ मैसेज डालिएगा, नहीं तो आप जैसे देख रहे हो उसी तरह से आप मेरे वीडियोस देख सकते हो। मेरे रोज़ मैं वीडियोस अपने डालती हूँ, चाहे सीमा जेटली चैनल पर हो चाहे आलोक जेटली चैनल पर हो, और उसमें इसी तरह से वीडियोज़ डालती हूँ जिससे आप आराम से सीख पाओ। आज भी मैंने उसमें सीमा जेटली पर मैंने डाला है कि आप पतले बालों में किस से हेयर कट करो, बिल्कुल सिंपल सा, बिल्कुल जरा सा हेयर कट किया है, और साथ ही मैं उसको सेटिंग किस तरह से करो सेटिंग मशीन के द्वारा, तो ये इनका पूरा फाइनल लुक हो गया। मैंने बालों को अच्छे से कर्ल्स कर दिया था इनको, और ये देखिए, और आगे से इस तरह से सिंपल सा पफ बना दूँ, क्योंकि बाद में इनको क्राउन लगाना है, तो शायद वहाँ पर जाके पार्लर मतलब स्कूल में जाके कुछ होगा तो वहाँ पर इनको पता चलेगा कि जूड़ा बनाना है या कैसे, तो बोले कि आप ड्रायर से ऐसे इस तरह से सेटिंग कर दो बालों को, और उसके बाद मैंने ये आगे से फ्रंट से लुक दे दिया है, और ये सेटिंग मैंने जो है ब्लो ड्रायर से ही की है, और बिल्कुल सिंपल तरीके से, और काफ़ी अच्छी है, और कटिंग भी मैंने ही की थी। तो आप भी अपने कमेंट्स के द्वारा बताओ कि भाई ये जो मैंने इनको लुक दिया है वो इनके पर जा रहा है कि नहीं जा रहा है, मतलब ये मैंने इनको फायर बनाया है तो फायर जैसी लग रही है कि नहीं। फिर मैं इनको जो है लहंगा और की चुन्नी पहना दूंगी, और रेड देख रहे हो लहंगा भी है, और इसको बस इस तरह से प्लीट्स डाल करके और बस यहाँ पर पिन लगा दूंगी। जब भी आप लहंगा पहनाते हो ना तो लहंगे की जो चुन्नी होती है ना उसको सेट करने के लिए बड़ी पिन का आप सहारा लिया करो, तो बस सिर्फ बॉर्डर बॉर्डर दिखा करके और ब्लाउज के साथ इसको इस तरह से सेट कर दिया है, और बस पीछे से भी एक पिन लगा दूंगी, एक आगे लगा दिए एक पीछे लगा देंगे, और आप मुझको फेसबुक इंस्टा पे लाइकी पे टिकटॉक पे सब जगह पर आप को देख सकते हो। और हाँ गैस, मेरा एक सिमसिम स्टोर भी है जिसमें मेरा सीमा जेटली के नाम से ही स्टोर है, सिमसिम आप ऐप को आप जो है कहीं से भी डाउनलोड कर सकते हो जैसे प्ले स्टोर से, और वहाँ पर मेरा सीमा जेटली का स्टोर है, वहाँ से आप कुछ भी सामान लेना है तो आप वहाँ से ले सकते हो, काफ़ी रिजनेबल रेट पर आपको चीज़ें मिलेंगी, और वहाँ पर आपको ये भी सुविधा मिलेगी कि आप वीडियो देखते देखते अगर आपको कोई प्रोडक्ट समझ में आ रहा है तो आप वहां से ले सकते हो। तो क्योंकि भाई आजकल ऑनलाइन का ज़माना है और कोई ऑनलाइन ही शॉपिंग करना चाहता है, तो आप अगर करना है तो आप वहां पर जा कर के देख सकते हो। तो ये मैंने पहले यहाँ पर एक पिन लगा दी थी और चुन्नी को सेट करने के लिए, फिर वो मैंने पिन खोल दी है, और अब मैं यहाँ पर इनके लहंगे से अटैच करके एक पिन लगा दूंगी, और यहाँ पर शायद हाँ यहाँ पर इनको कमर बेल्ट भी बांधनी है, तो यहाँ पर हम इनकी कमर बेल्ट भी सेट कर देंगे। ये देखिए, यहाँ से ला करके पहले इसकी चुन्नी को टाइट कर देंगे, फिर उसके बाद इसकी कमर, और एक यहाँ पर भी पिन लगा देंगे जो चुन्नी ना यहाँ से सरके ना, तो ये बिल्कुल अंदर की तरफ, ये देखिए यहाँ लगा दी, अब यहाँ से मैं पीछे की तरफ लगा दूंगी। तो ये चुन्नी सेटिंग बहुत सिंपल सी है और बहुत ही मतलब आप करते ही होगे इस तरह से, बस पिन वगैरह का ध्यान रखा करो कि कहाँ कहाँ पिन लगे, और बस यहाँ से पिन लगा करके बस मैं इसको यहाँ पर बैक में टक कर दूंगी, और अब इनकी कमरबंद है जो इनको लगानी है, तो ये भी मैं बस इस तरह से लगा दूंगी पीछे से, और इनकी कमर के हिसाब से ही आप जो है कमरबंद को ना ज़्यादा लूज रखो ना ज़्यादा टाइट रखो, बस इस तरह से रखो कि कमर के ऊपर बनी रहे। तो ये इनको यह वहाँ से स्कूल से ही मिला था लगाने के लिए सब कुछ, और बाद में इनका ये फाइनल लुक हो गया है, आप इनका लुक देख सकते हो। सीमा जेटली ने आज मेरा मेकअप किया, कटिंग हेयर कटिंग भी मैंने यही कराई। इन्होंने इतना सुंदर मेकअप किया है कि मेरे अंदर इतना सेल्फ कॉन्फिडेंस जाग गया है। बहुत सुंदर मेकअप किया और बहुत कॉन्फिडेंट के साथ मेकअप किया। हेयर कटिंग भी इन्होंने इतनी अच्छी करी है कि सब लोगों ने मेरी तारीफ की। स्कूल में फाइव एलिमेंट्स में फैशन शो में पार्टिसिपेट कर रही हूँ जिसमें मैं फायर बनी हूँ। उन्होंने मेरा पूरा फायर का लुक दिया है। थैंक यू सो मच सीमा। हाँ जी, तो ये फायर बनी है तो बिल्कुल लग भी रही है फायर जैसी। तो आपको अगर वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर बताएगा, और सारे प्रोडक्ट के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू, टेक केयर।